हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इलेक्ट्रिसिटी। के आज के इस लेक्चर में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर का टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो देखो, मान लो मेरे पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल का ईएमएफ मान लो ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल आर है, ठीक है। इस सेल से मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया कैपिटल आर, ठीक है ना। तो देखो, आई करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। आई कितना आएगा, ई बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना। तो करंट इतना आएगा, ठीक है। तो अब देखो, करंट ऐसे फ्लो हुआ ना, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से या इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। तो इसका मतलब यहां पे ये सेल या जो भी है, ये बैटरी जो भी है, ये एनर्जी दे रही होगी, ठीक है। तो पावर डिलीवर्ड बाय दिस सेल या पावर डिलीवर्ड बाय दिस बैटरी, कुछ भी बोल लो, वो पॉजिटिव आएगी। और कितनी आएगी, ई इंटू में आई, आई कितना, ई बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये कितना आ गया, ई स्क्वायर बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये है पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, ठीक है। मतलब एक तरह से ये बैटरी बोल दो या सेल बोल दो, आपकी मर्जी है, हर सेकंड में कितनी जूल एनर्जी दे रही होगी, इतने जूल, ई स्क्वायर बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है ना। और देखो ये कहां कहां जाएगी, कहां जाएगी, एक तो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो मान लो पी नॉट होगी, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो मान लो होगी पी इंटरनल। तो ये दो फॉर्म में जाएगी ना, इसका कुछ हिस्सा पी नॉट में जाएगा, इसका कुछ हिस्सा पी इंटरनल में जाएगा। तो एक तरह से पी नॉट प्लस पी इंटरनल, मतलब एक तरह से टोटल पावर जो डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन दोनों से मिला के पी नॉट प्लस पी इंटरनल, वो क्या होनी है, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी होनी है, ठीक है ना। और देखो, जो पावर डेसिपेशन आएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब पी नॉट, वो क्या आएगी, आई स्क्वायर इनटू में कैपिटल आर, सही बात है, आई स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू में कैपिटल आर, यही तो आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो पावर डिसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो मैक्सिमम तब आएगी जब इस एक्सटर्नल रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, बैटरी के या सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये बोलती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसको प्रूव भी करेंगे। तो देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये क्या बोलती है, जो पावर डेसिपेट हो रही है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रजिस्टर पी नोट, ये मैक्सिमम कब होगी, व्हेन
रेजिस्टेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, वो जब स्मॉल आर के बराबर होगा, ठीक है। तो जब इस एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर बैटरी या सेल के कुछ ही बोल लो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा ना, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट पी नोट, वो मैक्सिमम होगी। वो ये मैक्सिमम कितनी होगी वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है। तो देखो ऐसे जनरल, देखो जनरल बिल्कुल, इस रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितनी पावर डेसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट पी नोट, तो साफ दिखाई दे रहा है कैपिटल आर का फंक्शन है, पी नोट इज फंक्शन ऑफ कैपिटल आर, ठीक है। तो पी नोट एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल आर ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब इसको प्रूव भी करेंगे, पी नोट एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर रेजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट पी नोट, उसका जो ग्राफ आएगा ना एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल आर कुछ ऐसा आएगा। जब कैपिटल आर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर होगा, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये जो P नोट है ना एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल R, इसका आप जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और यहां पे नेचर ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, ये क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। जब कैपिटल R टू स्मॉल R के बराबर होगा तो यहां पे नेचर ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो जब P नोट एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल R ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, इसको प्रूव भी कर देंगे ये ग्राफ ऐसा क्यों आएगा। चलो इसको प्रूव करते हैं। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो P नोट को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, डी पी नोट बाय में डी आर, ये कितना आएगा इसके तो बार, न्यूमरेटर R का फंक्शन डेनोमिनेटर भी R का फंक्शन, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैपिटल आर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आर, वन हो जाएगा, और इनटू में ये करो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर को एज इट इज। अब इसको डिफरेंशिएट करो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो टू इनटू में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये आ जाएगा, और बाय में इसका स्क्वायर, यही होता है ना रूल, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब पावर फोर हो जाएगी। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस टू कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू कैपिटल आर स्मॉल आर, टू कैपिटल आर स्मॉल आर से टू कैपिटल आर स्मॉल आर कैंसल, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अब देखो डी पी नोट बाय डी आर को जीरो पुट कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं ना, तो ये तो जीरो तब होगा ना जब न्यूमरेटर जीरो होगा, मतलब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर जीरो, तो यहां से क्या आएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। कैपिटल आर जब स्मॉल आर के बराबर होगा ना तो ही डी पी नोट बाय में डी कैपिटल आर, मतलब इस ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप क्या होगी जीरो। और देखो अब सेकंड डेरिवेटिव करोगे ना, मतलब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे डी स्क्वेयर पी नोट बाय में डी आर स्क्वेयर, कर लेना इसको अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, ठीक है।
जो भी आएगा उसमें जब आप कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट करोगे ना, वो पक्का नेगेटिव आएगा। तो एक तरह से ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। ये क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा मतलब जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा, मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर वो बैटरी या सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा ना स्मॉल आर के, तब उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगी। ये लोकल मैक्सिमा आ गया ना, ठीक है। और वो कितनी होगी, कितनी होगी, यहां से निकाल सकते हो कैपिटल आर को, स्मॉल आर पुट कर दो, ई स्क्वेयर स्मॉल आर बाय में ये 2 स्मॉल आर हो जाएगा उसका स्क्वेयर, 4 स्मॉल आर स्क्वेयर, 1 आर से 1 आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा ई स्क्वेयर बाय 4 आर। तो ये निकालना था ना एक तरह से, ई स्क्वेयर बाय 4 स्मॉल आर, ठीक है। तो देखो पी नोट का जो ग्राफ आएगा ना, एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल आर कुछ ऐसा आएगा। और अगर आप ग्राफ के बारे में ही बात कर रहे हो, थोड़ा इससे डीप जाते हैं, यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा जब कैपिटल आर 2 स्मॉल आर के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है ना, थोड़े इसको अच्छे से बना लो, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन केवल यहां पे है, ठीक है ना, और ये लोकल मैक्सिमा है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, जब इस एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर बैटरी या सेल के इंटरनल रजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा ना, तो इस एक्सटर्नल रजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट होगी ना इन दी फॉर्म ऑफ हीट, वो मैक्सिमम होगी। और वो कितनी होगी, ई स्क्वायर बाय में 4 स्मॉल आर, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे कैपिटल आर इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर, ठीक है, तो पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर वो बढ़ती जाएगी जैसे कि दिखाई दे रहा है। और वैन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो पी नोट हो जाएगा मैक्सिमम, और वो कितना, ई स्क्वायर बाय में 4 स्मॉल आर। और फिर उसके बाद में कैपिटल आर और बढ़ेगा फ्रॉम स्मॉल आर टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो पावर डेसिपेशन होगी ना इन दी फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो घटती जाएगी, देख सकते हो पी नोट घटती जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे एक और चीज आती है, देखो बैटरी या ये जो सेल जो पावर डिलीवर कर रही है ना, पावर जो डिलीवर कर रही है, ये दो फॉर्म में जा रही है, एक तो पावर डिसिपेशन इन दी फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पी नोट, और दूसरी पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस पी इंटरनल, ठीक है ना। ये दो फॉर्म में जा रही है, ध्यान रहे ये दो फॉर्म में, मतलब पी नॉट प्लस पी इंटरनल वो क्या होगा, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, ये ध्यान रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनल रेजिस्टेंस से भी तो पावर डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट, केवल यहां यहां से थोड़ी ना होगी, दोनों जगह से होगी। तो अब देखो एक चीज है एफिशिएंसी, मतलब पी नोट बाय में पी बैटरी, ठीक है। तो पी नोट बाय में पी बैटरी निकालो, मतलब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ हीट पी नोट बाय में जो ये सेल या बैटरी जो पावर डिलीवर्ड कर रही है बाय में पी बैटरी, ये एक बार निकालो, इसको इट्टा बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। एक बार इसको निकाल लो, पी नोट क्या था, ये स्क्वेयर कैपिटल आर बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वेयर, पी बैटरी ये कितना है, ये
ई स्क्वायर बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय में ई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर खत्म, ठीक है। एक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैंसिल हो गया, तो ये बचा कैपिटल आर बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ऊपर नीचे कैपिटल आर से डिवाइड कर दो, वन बाय में वन प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो अब देखो कैपिटल आर के बढ़ने से ये जो इट्टा है ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो कैपिटल आर बढ़ेगा तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ये क्या होगा, घटेगा। तो एक तरह से डेनोमिनेटर घटता जाएगा कैपिटल आर के बढ़ने से। तो डेनोमिनेटर का घटना इसका मतलब इट्टा बढ़ेगा, कैपिटल आर के बढ़ने से इट्टा बढ़ेगा, ठीक है। और पी नॉट बाय में पी बैटरी, सीधी सी बात है जीरो से लेके वन तक ही आएगी, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है ना, ठीक है ना, ये तो फ्रैक्शन है। पी नॉट बाय में पी बैटरी मतलब एक तरह से इट्टा ये जीरो से वन तक ही आएगा। तो जब कैपिटल आर जीरो होगा तो इट्टा आएगा जीरो, क्योंकि स्मॉल आर बाय में जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वन बाय समथिंग इनफाइनाइट जीरो। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है इट्टा वर्सेज कैपिटल आर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ किसका है, इट्टा वर्सेज कैपिटल आर का, ठीक है। और ये तो फ्रैक्शन है ना इट्टा, इट्टा तो जीरो से वन के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। और इट्टा ये जो फ्रैक्शन है पी नोट बाय में पी बैटरी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कैपिटल आर, देख ले कैपिटल आर के बढ़ने से ये इट्टा बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ है ना ये तो पी नोट वर्सेज कैपिटल आर है, ये जो ग्राफ आया ना ये इट्टा वर्सेज कैपिटल आर है। इट्टा ऑब्वियसली एक फ्रैक्शन आएगा, जीरो और वन के बीच में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो जब कैपिटल आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो वन बाय इनफाइनाइट जीरो, वन बाय वन वन, तो इट्टा अप्रोच करेगा वन को, वन को इट्टा अप्रोच करेगा वन को। ये जो जीरो और वन है ना ये इट्टा वर्सेज कैपिटल आर ग्राफ के लिए है, ठीक है। और जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा मतलब एक तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो ये बात पक्की है तभी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट वो मैक्सिमम होगी। देख सकते हो पावर डेसिपेशन का पी नोट का ग्राफ ये है थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, वो मैक्सिमम होगी और कितनी होगी ई स्क्वायर बाय में फोर स्मॉल आर। तब इट्टा कितना आएगा निकाल लो, कैपिटल आर को स्मॉल आर पुट कर दो तो ये वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू, तो ये आ जाएगा वन बाय टू, ठीक है, मतलब 0.5, ठीक है ना। तो जो इट्टा है ना पी नोट बाय में पी बैटरी ये एक फ्रैक्शन है एक तरह से। पी नोट क्या है, पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पी बैटरी पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, ठीक है। और यदि ध्यान रहे ये जो बैटरी पावर डिलीवर कर रही है ना वो दो फॉर्म में जा रही है, कुछ तो डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और कुछ डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। दोनों जगह से हीट डिसिपेशन हो रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी और इंटरनल रेजिस्टेंस से भी। तो पी नोट बाय पी बैटरी फाइनली क्या आ गया था,
वन बाय में वन प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये आ गया था ना। कैपिटल आर के बढ़ने से ये घटेगा तो न्यूमरेटर घटेगा तो ये इट्टा बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है तो ये आया था इट्टा वन बाय में वन प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो अब देखो अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करना चाहते हो तो इट्टा की 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में, अगर बात करना चाहते हो, ठीक है। तो देखो यहां पे एक चीज ध्यान देने लायक है, जैसे जैसे कैपिटल आर बढ़ेगा 0 से स्मॉल आर, पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पी नोट वो बढ़ता जाएगा, देख सकते हो पी नोट का ग्राफ ये है, ठीक है ना। तो 0 से स्मॉल आर जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा 0 से स्मॉल आर तक, तो पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो बढ़ता गया है, ठीक है, और इट्टा भी बढ़ता गया है, ठीक है। इट्टा बढ़ने का मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी बढ़ी है, क्योंकि परसेंटेज एफिशिएंसी क्या है, इट्टा इनटू 100। तो अगर परसेंटेज एफिशिएंसी को समझो ना, अगर जो कि इट्टा इनटू 100 हो जाएगी, तो वो क्या है। तो देखो ये बात तो पक्की है, यहां से भी इट डेसिपेशन होगी और यहां से भी हीट डेसिपेशन होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी इंटरनल से भी। तो ये जो परसेंटेज एफिशिएंसी है ना, इट्टा इनटू 100 परसेंटेज एफिशिएंसी, ये क्या बता रही है कि जो बैटरी पावर डिलीवर कर रही है ना उसका कितना परसेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिसिपेशन हो रहा है, ये एक तरह से परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है। तो स्मॉल सॉरी सॉरी कैपिटल आर 0 से लेकर स्मॉल आर तक बढ़ेगा पावर डिसिपेशन इन दी फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पी नोट वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, ग्राफ से साफ दिखाई दे रहा है। इट्टा को तो बढ़ना ही हमेशा, ठीक है ना, परसेंटेज एफिशिएंसी बढ़ेगा, इट्टा बढ़ेगा तो परसेंटेज एफिशिएंसी इट्टा इनटू 100 ही तो है, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। और जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इससे जो पावर डेसिपेशन है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट वो मैक्सिमम आएगी और ई स्क्वायर बाय फोर स्मॉल आर आएगी, ठीक है। स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर और बढ़ेगा स्मॉल आर से लेके इंफिनिटी तक। अब क्या होगा, पावर जो डेसिपेशन है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो घटती जाएगी, लेकिन एफिशिएंसी तो या परसेंटेज एफिशिएंसी तो अब भी बढ़ रही है, देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे ना कैपिटल आर की वैल्यू, परसेंटेज एफिशिएंसी तो बढ़नी ही है। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या है, जो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी है उसका कितना परसेंट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिसिपेशन हो रहा है, वही है परसेंटेज एफिशिएंसी। कैपिटल आर बढ़ता जाएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी तो बढ़नी ही है, ठीक है, मतलब मोर एंड मोर परसेंटेज यहां से डिसिपेट हो जाएगी, डिसिपेट होती जाएगी। किसका मोर एंड मोर परसेंटेज, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी का मोर एंड मोर परसेंटेज यहां से डिलीवर होता जाएगा जैसे कैपिटल आर बढ़ेगा, देख सकते हो ये इट्टा ग्राफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप परसेंटेज की बात ना करो, केवल इससे पावर डेसिपेशन की बात करो इन द फॉर्म ऑफ हीट मतलब पी नोट की बात करो, तो जैसे आर कैपिटल आर 0 से लेकर स्मॉल आर तक बढ़ेगा ना, तो पी नोट मतलब पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब इसका एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर बैटरी या सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा ना, तो इससे पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगी, तभी मैक्सिमम होगी इससे पावर डेसिपेशन,
जब ये कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, और कितनी होगी ई स्क्वायर बाय फोर स्मॉल आर, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैपिटल आर स्मॉल आर से लेकर इनफाइनाइट तक। तो फिर इससे जो पावर डेसिपेशन है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट पी नॉट, वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल आर के बढ़ने से जो परसेंटेज एफिशिएंसी है ना, मतलब पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी का कितना परसेंट यहां से डिसिपेशन हो रहा है, वो तो बढ़ना ही है, ठीक है। तो ये ग्राफ अलग है, ये एक अलग चीज बताता है इट्टा। ये पी नोट का ग्राफ है और ये इट्टा का, मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी का एक तरह से। इट्टा पता चल गया, इट्टा देखो एक फ्रैक्शन है, 0 से 1 के बीच में होगा, तो परसेंटेज एफिशिएंसी पता चल जाएगी। इट्टा इंटू 100, इट्टा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, जब इस एक्सटर्नल रजिस्टर का रजिस्टेंस कैपिटल आर बैटरी के इंटरनल रजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा ना, तो जो पावर डिसिपेशन होगी ना थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पी नॉट, वो मैक्सिमम होगी, तभी मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम भी कितनी होगी, ई स्क्वायर बाय फोर स्मॉल आर, ठीक है। ठीक है ना। और जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा ना, ये बात तो है ही, इससे पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी, पी नॉट मैक्सिमम आएगा, और कितना ई स्क्वायर बाय स्मॉल फोर स्मॉल आर। और तब ये भी होगा 50% पावर डिसिपेशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और 50% पावर डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट इंटरनल रेजिस्टेंस से हो रही होगी। मतलब एक तरह से व्हेन कैपिटल आर विल बी स्मॉल आर, तो पी नॉट तो मैक्सिमम आएगा ही, और कितना आएगा ई स्क्वायर बाय में फोर स्मॉल आर, ठीक है। तब जो पावर डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब पी इंटरनल, वो भी इतनी ही आएगी, ई स्क्वायर बाय फोर स्मॉल आर। ये कमाल की चीज है, ठीक है। और तब पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी दिस प्लस दिस हो जाएगा, ठीक है ना। पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी वो क्या है, पी नोट प्लस पी इंटरनल, दिस प्लस दिस मतलब टू ई स्क्वायर बाय फोर आर, तो मतलब ई स्क्वायर बाय में टू स्मॉल आर, ठीक है। तो देख सकते हो इट्टा, इट्टा की बात कर रहा हूं फ्रैक्शन की, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा, मतलब पी नोट बाय में पी बैटरी, ये कितना आएगा, 0.5 ही तो आएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी इनटू में 100 कर दो, 50% आ जाएगी। तो देखो जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है, पावर डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम है, ई स्क्वायर बाय फोर स्मॉल आर। लेकिन तब इट्टा की वैल्यू क्या है, 0.5, मतलब तब जितनी पावर डिसिपेशन यहां से हो रही होगी ना, उतनी पावर डिसिपेशन यहां से हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा, तो पी नोट और पी इंटरनल बराबर आएंगे, पी नोट और पी इंटरनल बराबर आएंगे, और तब पी नोट मैक्सिमम आएगा, पी नोट जो भी आएगा ऑब्वियसली मैक्सिमम आएगा, तब उतना ही पी इंटरनल आएगा, ठीक है ना, ई स्क्वायर बाय में फोर स्मॉल आर। तो मतलब जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगी, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल रजिस्टर से पावर डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट पी नोट वो मैक्सिमम आएगी, यही तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है। और वो कितनी आएगी, ई स्क्वायर बाय फोर स्मॉल आर। लेकिन तब ये भी होगा पक्का है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस से जो पावर डिसिपेशन होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो इसी के बराबर आनी है, और तब पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी क्या हो जाएगी, दिस प्लस दिस, ये तो होना ही है, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी पी नोट प्लस पी इंटरनल, तो ये बराबर है, तो दिस प्लस दिस एक तरह से इसका डबल हो जाएगा। तो इट्टा जो कि फ्रैक्शन है पी नोट बाय में पी बैटरी, 0.5 आएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी 50% आएगी, ठीक है ना।
तो वैसे भी डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी वन व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, इतना ही आएगा ई स्क्वायर बाय टू स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट कर दो तो ई स्क्वायर बाय टू स्मॉल आर ही तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो पता चली गया, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी ई स्क्वायर बाय टू स्मॉल आर आई, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा। तो एक तरह से जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से कितनी पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस माइनस दिस, तो इतनी आनी है ई स्क्वायर बाय फोर स्मॉल आर के बराबर, ठीक है ना। तो अब देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये ठीक है, और यहाँ पे बैटरी बोल सकते हो या सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो सेल का ईएमएफ ये 30 वोल्ट गिवन है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर ये 10 ओम गिवन है, ठीक है ना। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये एक्स ओम का, और ये 20 ओम का। तो फाइंड आउट क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब ये जो रेजिस्टर है ना इसका रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो कि क्या हो इन तीनों रेजिस्टेंसेस से मिलके जो पावर डेसिपेशन हो ना पी नोट, इन तीनों से मिलके वो मैक्सिमम आए, ठीक है। और वो मैक्सिमम जो आएगी वो कितनी आएगी ये भी फाइंड आउट करना, ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इन दोनों की जगह एक लग जाएगा 20x बाय में 20 प्लस x का, वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा 5 ओम के साथ, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट ये दो रेजिस्टेंस आ गए, जैसे मान लो ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा 5 प्लस 20x बाय में 20 प्लस x का, 20 × 100 प्लस 5x प्लस 20x बाय में 20 प्लस x का, ठीक है। फाइनली इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, कितने का, इतने का 100 प्लस 25x बाय में 20 प्लस x। तो ये एक तरह से कैपिटल आर ही तो है, और यहां पे ये बैटरी या सेल लगा हुआ है जो भी बोल दो, ठीक है। ईएमएफ कितना 30 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। तो देखो ये बात तो है ही, इन तीनों से मिलके जो पावर डेसिपेट होगी वो इस अकेले से हो जाएगी, और फाइंड आउट क्या करना था एक्स की वैल्यू, कि इन तीनों से मिलके जो पावर डेसिपेट होगी ना पी नोट वो मैक्सिमम हो, ठीक है।
तो ये अकेला रेजिस्टेंस इन तीनों के इक्विवेलेंट ही तो है। जब इन तीनों से मिलके पावर डेसिपेट मैक्सिमम होगी तो इस अकेले से भी तो वो मैक्सिमम ही आएगी, ठीक है ना। और इससे पावर डेसिपेशन मैक्सिमम कब होगी? जब इसका रेजिस्टेंस जो कि ये आया है बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाए। मतलब एक तरह से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा दो, एक तरह से इन तीनों से मिलके जब टोटल पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगी ना, तो वो एक तरह से देखो ये तीनों के इक्विवेलेंट ही तो है अकेला, तो एक तरह से इससे भी तब अकेले से पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगी। और वो कब होती है? जब इसका रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना है 10 ओम, और कैपिटल आर 100+25x बाय में 20x इज इक्वल टू स्मॉल आर 10 ओम। तो 100+25x इज इक्वल टू 200+10x, तो 25 माइनस 10 15x, 200 माइनस 100 100x कितना आ गया 100/15, तो 5 से 20 पे 5 से 15 20/3 ओम, तो ये आ गया 6.666 ओम। यही तो निकालना था, ये मेरा आंसर हो गया। मतलब एक तरह से जब ये रजिस्टर है ना, इसका रजिस्टेंस एक्स 6.6666 ओम होगा ना, तब इन तीनों से मिलके जो पावर डेसिपेशन होगी ना वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और वो कितनी होगी ये हमें पता है, ई स्क्वेयर बाय में 4 r² के बराबर होती है। ई कितना है 30 वोल्ट, ईएमएफ ऑफ सेल, तो 30 का स्क्वेयर 900/4, स्मॉल आर कितना 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसल, तो ये आ गया 22.5 वाट, ठीक है ना। तो मतलब देखो, मान लो एक्स एक्स अगर ये मतलब इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है एक्स, वो 6.666 ओम नहीं हुआ, इससे कम या इससे ज्यादा कुछ भी हो, तब इन तीनों से मिलके जो पावर डेसिपेशन होगी ना वो पक्की बात है इससे कम मिलेगी, 22.5 वाट से, पक्की बात है, ये बिल्कुल 100% है, इससे तो कम ही मिलेगी। तो एक तरह से इन तीनों से मिलके जो पावर डेसिपेशन होगी टोटल, वो मैक्सिमम कब आएगी? जब ये एक्स 6.666 ओम के बराबर होगा। और कितनी आएगी वो मैक्सिमम भी? 22.5 वोल्ट, ठीक है। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6.666 ओम, तो पी नोट मतलब इन तीनों से मिलकर जो पावर डेसिपेशन होगी ना वो मैक्सिमम आएगी, और कितनी? 22.5 वाट। और तब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तब इस इंटरनल रेजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो इतनी ही आती है 22.5 वाट। और तब ये जो बैटरी पावर डिलीवर कर रही होगी ना, क्योंकि करंट बनेगा सर्किट में, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, तो कितना हो जाएगा 10+10 45 वाट, ठीक है। तो अगर इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस एक्स ये ना हुआ, मतलब इससे चाहे कम हो या ज्यादा हो, तब इन तीनों से मिलके जो पावर डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो इससे कम मिलेगी, ये पक्की है 100% है। तो एक तरह से इन तीनों से मिलके पावर डेसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट वो मैक्सिमम चाहता हूं मैं, और वो कब होगी? जब एक्स 6.666 ओम हो। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज किया ना, इन तीनों के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इन तीनों से मिलके जब पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगी तो यहां से भी मैक्सिमम होगी। और इससे पावर डेसिपेशन मैक्सिमम कब होगी? जब इसका ये जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम के बराबर हो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल गई। मतलब एक से कहने का मतलब ये है, एक्स चाहे कुछ भी हो, सबसे पहली बात तो ये है, इन तीनों से मिलकर जो पावर डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट वो इस अकेले से हो जाएगी, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, ठीक है।
न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें देखो क्या गिवन है, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये फिर एक ये, चार ये हैं ठीक है ना, सीरीज में नहीं ऐसे ही दिखाई दे रहा अभी पता चलेगा, फिर एक ये रेजिस्टेंस है, फिर एक ये है ठीक है, ऐसा कुछ है, ये रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है और ये 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका 8 ओम और इसका 10 ओम और इसका एक्स ओम, और यहाँ पे एक सेल या बैटरी कुछ भी मान लो वो लगी हुई है ठीक है। ईएमएफ कितना है, 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का या बैटरी का 5 ओम ठीक है। तो फाइंड आउट ये करना है एक्स की किस वैल्यू के लिए, जो 1 2 3 4 5 6 छह रजिस्टर है ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 एक्स की किस वैल्यू के लिए इन 6 रजिस्टेंस से जो मिलके जो टोटल पावर डेसिपेट होगी ना पी नोट, वो मैक्सिमम होगी, और जो भी होगी मैक्सिमम वो कितनी होगी वो भी फाइंड आउट करना है ठीक है। तो अब इसको चलो सोल्व करते हैं। तो देखो इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एक रेजिस्टेंस लगा लो सबसे पहले, 1 2 3 4 इन 5 के इक्विवेलेंट। तो देखो यहाँ पे ये मैंने पहले करवा रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी बनेगा, 1/2 इज इक्वल टू 4/8 ठीक है ना। तो ये 5 एक तरह से कुछ ऐसे हैं ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो इस ए बी के अबाउट ये जो 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, ये कुछ ऐसे हैं, ये देखो ये ए पॉइंट है, ए डी के अक्रॉस लगा हुआ है क्या 1 ओम का, और फिर डी बी के अक्रॉस लगा हुआ है कितना 2 ओम का, और फिर ए ई के अक्रॉस लगा हुआ है कितना 4 ओम का, और फिर ई बी के अक्रॉस लगा हुआ है 8 ओम का, और फिर ई डी के अक्रॉस लगा हुआ है 10 ओम का ठीक है, और यहां पे बी सी के अक्रॉस लगा हुआ है 1 ओम का ठीक है ना, कुछ ऐसा ही है ये। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा और बैलेंस्ड भी बनेगा ठीक है ना। ईएमएफ ऑफ सेल 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। तो देखो शुरू में ऐसा मानो एक्स चाहे कुछ भी हो, इस 10 ओम रेजिस्टेंस से तो कोई करंट फ्लो करना नहीं, बैटरी या ये सेल ऐसे करंट छोड़ेगा, कुछ ऐसे जाएगा कुछ ऐसे, ये जो कुछ ऐसे जाएगा ये सीधा ऐसे जाएगा, और कुछ जो पोर्शन ऐसे आएगा ये सीधा ऐसे जाएगा। तो 10 ओम रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं करना क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, 1/2 इज इक्वल टू 4/8, तो इस 10 ओम को आप हटा ही दो ठीक है ना, इसके लगे होने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा 3 ओम का ठीक है ना, ये दोनों सीरीज में हो गए 8 + 4 = 12 ओम का लग जाएगा ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में हो गए 12 × 36 भाग में 15, 3 × 12 = 3 × 5 = 15, तो 12 भाग में 5 ओम का लग जाएगा यहाँ पे ए बी के क्रॉस 1, और अब ये दोनों सीरीज में हो गए तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा 12/5 + x का ठीक है ना।
12 बाय में 5 प्लस x का, तो एक तरह से 12 प्लस 5 x बाय 5 का, तो एक तरह से एक कैपिटल आर है। ठीक है, तो अब देखो इसमें तो कोई करंट फ्लो करना नहीं क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस बन गया था तो ये हट गया था। ठीक है, ये तो ऐसे ही लगा हुआ है ऐसा मान लो। तो 1 2 3 4 5, या इसको भी ले लो आपकी मर्जी है, तो इसको लोगे तो ये 6 रजिस्टर हो गए। इन 6 रजिस्टर के इक्विवेलेंट ये एक रजिस्टर आ गया एसी के अबाउट, एक लगा दिया मैंने। कितने रेजिस्टेंस का? कैपिटल आर, 12 प्लस 5 x बाय 5 का। ठीक है, तो देखो इससे तो कोई पावर डेसिपेशन होगा नहीं इन द फॉर्म ऑफ हीट क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो करना ही नहीं। 1 2 3 4 5, इन 5 रेजिस्टेंस में से मिलके जो टोटल पावर डेसिपेशन होगा ना इन द फॉर्म ऑफ हीट पी नॉट, मतलब इससे पावर डेसिपेशन प्लस इससे पावर डेसिपेशन प्लस इससे पावर डेसिपेशन प्लस इससे पावर डेसिपेशन प्लस इससे पावर डेसिपेशन, वही इस अकेले से होगा पावर डेसिपेशन पी नॉट। और मैं ये चाहता हूं पी नॉट मैक्सिमम हो, मतलब इन सभी से मिलके जो टोटल पावर डेसिपेशन हो पी नॉट वो मैक्सिमम हो। तो एक तरह से इस अकेले से पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट वो मैक्सिमम हो। ठीक है, और ये कब होगी यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? जब इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर 12 प्लस 5 x बाय 5, ये किसके बराबर होगा? बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा 5 ओम के। तो 12 प्लस 5 x बाय में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, इज इक्वल टू 25। तो 5 x कितना आ गया? 25 माइनस 12 13, तो x आ गया 13 भाग में 5, तो ये आ गया 2.6 ओम। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो जब इस रजिस्टर का रजिस्टेंस 2.6 ओम होगा ना, तो इन रजिस्टर्स से मिलके जो टोटल पावर डेसिपेशन होगी ना पी नोट वो मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी आएगी वो भी फाइंड आउट करनी है। पी नोट विल बी मैक्सिमम व्हेन स्मॉल एक्स विल बी इक्वल टू 2.6 ओम, और वो कितनी आएगी वो भी फाइंड आउट करनी है। ये क्या होता है? ई स्क्वेयर बाय 4 आर, ई स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर 400 बाय में 4, स्मॉल आर 5, तो 400 भाग में 20, 20 वाट आ गई है। सही वाट है, ठीक है ना? मतलब जब एक्स 2.6 ओम होगा, मतलब इस रजिस्टर का रजिस्टेंस 2.6 ओम होगा, तो इन सभी रजिस्टर से मिलके जो टोटल पावर डेसिपेट होगी ना पी नोट वो मैक्सिमम आएगी, और इतनी आएगी। और तब इस इंटरनल रजिस्टेंस से जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट वो इतनी ही आनी है। तो और तब पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी वो कितनी आएगी? वो तो 10 प्लस 10 होना है, तो 40 वाट आएगी। ठीक है ना? परसेंटेज एफिशिएंसी मतलब क्या होती है? पी नोट बाय में पी बैटरी, वो तब 50% आ जाती है, ये आपको पता ही होगा। तो यहां पे मेरे को क्या पता चला? एक्स अगर 2.6 ओम नहीं हुआ, चाहे इससे कम हो चाहे इससे ज्यादा, मतलब 2.6 ओम ना हो, तो इन सभी से मिलके इन सभी रजिस्टर से मिलके जो पावर डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट, टोटल पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट वो 20 वाट से तो कम ही मिलेगी, ये पक्का बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब क्या है? अगर मैं ये चाहता हूं इन सभी रजिस्टर्स से मिलके टोटल पावर डिसिपेशन वो मैक्सिमम हो, वो कब होगा? जब यहां पे मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा? 2.6 ओम का। तो तब इन सभी से मिलके टोटल पावर डिसिपेशन वो मैक्सिमम आएगी, और आएगी भी कितनी? 20 वाट। ठीक है, तो आंसर तो ये है, निकालना केवल ये था कि भाई एक्स की वैल्यू बताओ, मतलब इस रजिस्टर का रजिस्टेंस कितना हो कि इन सभी से मिलके टोटल पावर डेसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट वो मैक्सिमम हो। तो एक्स कितना आया? 2.6 ओम। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।